हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट टेंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इट मींस जब कोई बॉडी अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर में, इट मींस ग्रेविटी के अंडर में मोशन करती है, तो बेटा हम कैसे उसको डिस्कस करेंगे। बेटा ये भी कह सकते हैं हम मोशन अलोंग अ वर्टिकल लाइन, इसका मतलब ये भी है मोशन अलोंग वर्टिकल लाइन। बेटा इसका मतलब क्या है कि हम जो ग्रेविटी के अंडर में मोशन की बात कर रहे हैं, वो मोशन बेटा एक वर्टिकल लाइन में, क्योंकि अगर हम आगे हम पढ़ेंगे 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन, बेटा वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, बट वो 2D में होती है। ओके, बट यहाँ पे जो मोशन है ग्रेविटी के अंडर, बेटा वो मोशन अलोंग अ वर्टिकल लाइन हो रही है ना। हमने किसी बॉडी को लिया और छोड़ दिया ग्रेविटी के अंडर में। ओके, तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी अलोंग अ वर्टिकल लाइन। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो हमने किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका है बेटा ऊपर की तरफ। ओके, उसकी वेलोसिटी थी बेटा u और पॉइंट ए से हमने उसे फेंका। यहां पे कोई बीच में पॉइंट बी है, तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। हमने माना मैक्सिमम हाइट का पॉइंट कौन सा है बेटा, सी है। फिर यहां से वापस लौट कर आएगा, यहां पे बेटा पॉइंट डी है। उसके बाद बेटा ये यहां आ गया नीचे, ये वाला पॉइंट है ई। ओके, यहाँ पे बेटा हमें साइन कन्वेंशन किस तरह से लेना है, आपकी मर्जी। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, या ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव। मैं यहाँ पे जो कन्वेंशन ले रहा हूं उसमें बेटा मैं ऊपर की तरफ की डायरेक्शन जो होगी उसको तो मैं पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूं, और जो नीचे की डायरेक्शन है बेटा उसे मैं क्या मान रहा हूं, नेगेटिव। और हमें याद रखना है कि जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर मोशन करते है तो बेटा उस पर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से बेटा एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होता है, डाउनवर्ड। तो यहां बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा नेगेटिव में कितना होगा, जी होगा। हर पॉइंट पर हमें यही यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको हम। तो पहला केस है बेटा, हम बात करें इसमें पॉइंट ए टू बी की बात कर रहे हैं, ए से बी तक की मोशन की, फ्रॉम ए टू बी। बेटा इनको मैं अलग अलग आपको पिक्चर दिखाते जा रहा हूं सबकी, ये तो कंबाइंड पिक्चर है। मान लिया हम ए से बेटा बी की बात कर रहे हैं, अभी बी पर ऑब्जेक्ट रुखा नहीं है बल्कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो वेलोसिटी थी इसकी उसको इनिशियल मानेंगे, तो बेटा देखो आप यू ऊपर की तरफ है कि नहीं, तो यू हमारा यहां पर कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ओके, यहां देखो बी पर भी बॉडी ऊपर को जा रही है, तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी बी के हिसाब से बेटा वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी कहां जा रही है, ऊपर। और बेटा ग्रेविटी हर जगह कहां होती है, नीचे ही होती है, तो इट मींस जो एक्सेलरेशन होगा वो बेटा नीचे ही होगा, माइनस जी। अब देखते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट, अब जरा ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट बेटा हमारा ए है, फाइनल पॉइंट बी है। डिस्प्लेसमेंट कहां होता है बेटा, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, तो इनिशियल ए से फाइनल बी की तरफ बेटा हम कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। इसलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट एस कितना यूज करेंगे बेटा हम, प्लस का एच। अब एक क्वेश्चन से बेटा हमको फिट करना है, तो पहली क्वेश्चन क्या होती थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बेटा v तो पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है, बट बेटा a क्या है, माइनस का g इंटू टी। तो बेटा क्वेश्चन क्या मिली, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा यहां पे s किसके बराबर है, h के बराबर, प्लस h, u पॉजिटिव था, हाफ बेटा a की वैल्यू क्या थी, माइनस के जी इंटू टी स्क्वायर, बेटा एच आया यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बेटा थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बेटा v तो हमारा प्लस का ही है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू भी पॉजिटिव है, टू इंटू ए क्या है बेटा, माइनस का जी, और एस का मतलब क्या है, एच है। तो बेटा आंसर में क्या मिला, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो बेटा ये हो जाएंगे यहां तक ए टू बी के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा ए टू सी की बात करते हैं, फिर से मैं इसकी पिक्चर अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। बेटा ये ए था और यहां पे था सी, ए से हम स्टार्ट कर रहे थे, यहां पे हमारे लिए यू है ये, तो बेटा यू ऊपर की तरफ है, तो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। देखो सी पर बॉडी लौट कर आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बेटा, इसकी वी इक्वल टू जीरो है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा आप जानते हो हमेशा डाउनवर्ड होगा, तो ये नेगेटिव जी होगा। अब देखो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल सी है, तो बेटा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जो इसका
डिस्प्लेसमेंट होगा एच बेटा वो प्लस एच में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन रखते हैं इनकी। बेटा पहली इक्वेशन क्या आती है हमारी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बेटा वी तो कितना है जीरो है, इक्वल टू यू पॉजिटिव था, ए की वैल्यू बेटा माइनस जी इंटू टी, तो बेटा हमने देखा टी क्या निकल कर आया यहां से, यू अपॉन जी। इसका मतलब हुआ किसी बॉडी को अगर बेटा हम यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट तक जब जाएगी तो बेटा कितना टाइम लगेगा उसको, यू अपॉन जी। बेटा में याद रखना है वाला पॉइंट है ना। सेकंड वन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा एस तो यहां प्लस एच है, यू पॉजिटिव था, टी प्लस हाफ, बेटा एक्सेलरेशन क्या है इसमें माइनस का जी है इंटू टी स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बनी एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो बेटा यहां पे बी तो हमारा जीरो है फाइनल, यू पॉजिटिव था, टू बेटा ए का मतलब क्या है माइनस के जी, और एस का मतलब क्या है बेटा एच। अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं तो यहां से एच की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बेटा, एच आएगा यू स्क्वायर अपॉन टू बी। ओके स्टूडेंट, हमें ये पॉइंट भी याद रखना है, एक ये और एक बेटा, तो इससे हमें क्या पता पड़ा, अगर किसी बॉडी को बेटा हम यू वेलोसिटी से फेंकते हैं और मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगी, टी इक्वल टू यू अपॉन जी, और जिस लेवल से उसे फेंका है उस लेवल से जो मैक्सिमम हाइट है बेटा कितनी होगी, एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नीचे में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया है, डी ये ई और ये एफ, एक पॉइंट हमने इंक्रीज कर दिया है। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से, अब मैं ए टू डी की बात कर रहा हूँ बेटा, ए टू डी ये लेवल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमने वो अलग से दिखाया है थोड़ा सा, बल्कि ये बिल्कुल सीधे एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं ए टू डी, ए नीचे है डी ऊपर की तरफ है, तो देखो बेटा ए पर बॉडी कहाँ जा रही थी, ऊपर की तरफ, तो यू हमारा कैसा था पॉजिटिव। अब देखो डी पर बॉडी घूमकर कहां आ रही है, नीचे आ रही है, तो डी पर जो वेलोसिटी है बेटा नीचे की तरफ है फाइनल, तो बेटा वी हमारा यहाँ पर कैसा होगा नेगेटिव। इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल ए है फाइनल डी है, तो बेटा ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो बेटा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, और एक्सिस में कोई डाउट है ही नहीं है, एक्सिस हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो वो क्या होगा माइनस के जी। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो इसके हिसाब से, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बेटा वी तो नेगेटिव हुआ, तो माइनस बी इक्वल टू यू प्लस ए की वैल्यू बेटा माइनस जी इंटू टी, तो बेटा इक्वेशन में मिली माइनस बी इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके, सेकेंड वन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा एस क्या था प्लस का एच, यू पॉजिटिव है, प्लस हाफ बेटा ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बनेगी एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एच, बेटा बी यहाँ पे हमारा नेगेटिव था, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की वैल्यू माइनस जी, बेटा एच कैसा है एस, एच के बराबर है पॉजिटिव है, तो बेटा यहां से हमें मिला बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा बात करते हैं ए टू ई, हालांकि वैसे तो ए और ई पॉइंट बेटा एक ही है, बट फिर मैं आपको अलग बना के दिखा रहा हूं, अदरवाइज तो दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है, क्योंकि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है अलोंग अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, बट फिर मैं आपको थोड़ा पहचान के लिए ए और ई को अलग अलग बना रहा हूं, बल्कि ए और ई बेटा एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। पहले ऊपर जा रहा था तो इसको ए बोल रखा था, बेटा ऊपर जा रहा है तो यू कैसा है पॉजिटिव। ओके, उसके बाद बेटा नीचे आएगा तो हमने उसको ई मान लिया उसी पॉइंट को, बेटा नीचे आ रहा है तो V कैसा होगा नेगेटिव। अब बेटा देखो सेम पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट S होगा बेटा क्या लेना पड़ेगा जीरो, क्योंकि A और E अलग अलग पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है जीरो है, क्योंकि इनिशियल फाइनल बेटा एक ही पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा। और यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो ए क्या होगा माइनस का जी होगा। अब बेटा लगाते हैं इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बेटा बी कितना माइनस बी, यू कितना प्लस यू, प्लस ए की वैल्यू बेटा माइनस जी इंटू में टी, तो बेटा यहां के हिसाब से अगर मैं देखू तो क्या मिला हमें माइनस बी इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके बेटा फर्स्ट इक्वेशन, अब बेटा सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बेटा एस हमारा यहां पर कितना है जीरो है,
यू पॉजिटिव था, यू टी प्लस हाफ बेटा, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे माइनस का जी इंटू टी का स्क्वायर, बेटा इसको उधर ले कराओ तो प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू बेटा यू टी, तो बेटा टी से एक पावर कैंसिल हो गई, तो बेटा यहां से अगर मैं टी निकालू तो टी क्या निकल कर आएगा टू यू अपॉन जी। इट मीन्स बेटा हमने जिस लेवल से किसी बॉडी को फेंका था उसी लेवल पर वापस आने में कितना टाइम ले रहा है वो टू यू अपॉन जी। जरा ध्यान से सोचो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ए टू सी वाला केस लिया था, बेटा ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा था हमें, यू अपॉन जी आया था, देख रहे हो आप टू यू अपॉन जी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है जितना टाइम ए से सी तक जाने में लगा उतना ही टाइम बेटा सी से ई तक वापस आने में लगा। इट मीन्स ए से सी का जो टाइम था उसका डबल हो गया, तो ए टू सी का टाइम सी टू ई का टाइम मिलके क्या होगा ए टू ई का टाइम, तो वही आया हमारा मिलके टू यू अपॉन जी। बेटा इसको हम अगर सेम लेवल से उसी लेवल पर वापस लौट करा रहे हैं तो मैं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट की तरह यूज कर सकता हूं, अगर मैं ए से ही बात करूं ए से लेकर सेम उसी लेवल तक, तो बेटा वो क्या निकल कर आएगा टू यू अपॉन जी। आगे पढ़ेंगे वैसे से हम, थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बेटा वी माइनस का वी है, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू बेटा एक्सेलरेशन माइनस का जी, बट बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो है, तो यहां से आप देखोगे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो बेटा बी इक्वल टू यहां पे आ जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो यू बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज देखू मैं, तो इसका मतलब जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया था बेटा उसी लेवल पर जब वो वापस लौट कर आता है तो बेटा उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाती है। तो यहां से बेटा हमने दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सीखे, अगर किसी लेवल से हमने किसी बॉडी को फेंका है उसी लेवल पर वापस जब वो आएगा तो बेटा कितना टाइम लेगा टू यू अपॉन जी। दूसरी चीज, किसी लेवल से उसको हमने फेंका था तो जो उसकी वेलोसिटी थी जब वो उसी लेवल पर वापस लौट कर आएगा तो बेटा उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, बस डायरेक्शन कहाँ होगी डाउनवर्ड, जैसे यू कहाँ था अपवर्ड था, तो ई पर जो वेलोसिटी है वो कहाँ है बेटा डाउनवर्ड है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा ए टू एफ की बात करते हैं, देखो ए तो ऊपर है, एफ कहाँ है बेटा नीचे है, देखो ए से बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तो यू क्या था पॉजिटिव था, जब वापस लौट कर आई तो बेटा एफ पर कहां जा रही है बॉडी नीचे जा रही है, तो वी कैसा होगा हमारा बेटा यहां पे नेगेटिव होगा। दूसरी चीज, ए इनिशियल पोजीशन है बी फाइनल है, तो हम ए से बी बेटा नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू क्या होगा बेटा माइनस का होगा, कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं, तो ए इनिशियल बी एफ फाइनल है, और बेटा हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, इट मीन ए टू एफ, तो एस हमारा माइनस का एच आएगा, और बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा काम होता है डाउनवर्ड होता है, तो ए बेटा माइनस का जी होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बेटा बी हमारा नेगेटिव था यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू बेटा माइनस जी इंटू टी, तो बेटा माइनस बी इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा एस यहाँ पे माइनस का एच है, यू पॉजिटिव टी पॉजिटिव प्लस हाफ बेटा ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, बेटा इक्वेशन क्या बनी माइनस एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस से देखेंगे, तो बेटा वी माइनस का वी स्क्वायर यू पॉजिटिव प्लस टू इंटू बेटा एक्सेलरेशन माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा माइनस का एच, तो बेटा यहां से निकल कर आया बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।